as your film's tagline says, hashtag trust no one. आपका ट्रस्ट किसने तोड़ा है और अब अपने ट्रस्ट को बरकरार रखने के लिए आप क्या करती हैं? दूसरा एक और सवाल, सुपर 30 भी जल्द रिलीज होने वाली है, उसके साथ आप सवाल में ही जवाब क्लैश से कैसे इस फिल्म को बचाएंगे? नो, वी आर नॉट क्लैशिंग विद डेट. अलग है भाई, डेट टोटली अलग है. थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो चेंज हो गया. You're expecting a two-week, okay, two-week run. Basically, if it does well for 2 weeks, then when they meet you on the 26th clash. Yeah, then we will see what happens. About trust, yes, as a young woman or as a young man, you would go through a lot of experiences. At from the age of 16, जैसे आप अपने मम्मी पापा के घर से निकलते हैं, you feel कि ये तो बिल्कुल ही एकदम is unsettling. So you go through various experiences, and to keep the ability to continue to trust people is very healthy, and you will be finished without that ability. If you don't trust people, you don't have faith in life, if you live in constant insecurity of being betrayed or cheated or something going wrong, you're already finished. So to how to keep the ability to trust, to have faith, to be honest, and to be able to you know, every day revive yourself is very important. I do a lot to keep that ability on a very high scale, not a mediocre scale. As a kid, if I left my home without even having any security, you can imagine how high that ability of trust I had growing up. And I realized that is the primary reason of my success. I keep that very high, whether I have to meditate or I have to, you know, whatever it takes, you know, I keep that. कह सकते हैं कि कंगना अब इतनी मैच्योर हो गई हैं कि अब उनका ट्रस्ट तोड़ने वाले डरते हैं? ऐसा नहीं है कि डरते हैं, बट आई डेफिनेटली आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन पीपल. आई डोंट गेट माइंड गेटिंग हर्ट, बट आई डू नॉट वांट टू हर्ट एनीवन. इट्स ओके टू गेट हर्ट, बट इन द एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग हर्ट टू हर्ट पीपल इज रॉन्ग. कंगना, आपने कहा कि आपकी जो फैन फॉलोइंग है अलग अलग लेवल की है, ऐसे ही इंडस्ट्री में जो लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं काम करते हैं, तो चूंकि जो पिछली खबरें आई थी कि डायरेक्टर, जैसे हमने सवाल किया कि डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया कि आपने किया, इससे जब आपके सामने कोई फिल्म लेकर आता है तो क्या वो डरता है, या किस तरह की बातें हो रही, किस तरह का नुकसान आपको हुआ है, किस तरह की ब्रांड वैल्यू का नुकसान आपका हुआ है, क्या फिल्में आपके हाथ से चली गई, ये इस बारे में बताइए. ऐसा नहीं है कि फिल्में मेरे हाथ से चली गई है, क्योंकि आई थिंक अधिकतर लोग जो हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही, जैसे जब प्रकाश सर मुझे मिले थे, या मैं अश्विनी मैम के साथ अभी काम कर रही हूँ, एंड देन आई हैव साइन टू मोर फिल्म्स, थ्री मोर फिल्म्स. ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं देखा कि ये लोग प्रिजुडिस्ड हो, या आई थिंक दे ऑल्सो कम फ्रॉम, स्पेशली समबडी लाइक प्रकाश सर हुज़ फ्रॉम अ फिल्म फैमिली, सो उनको पता चलता है कि हर एक का एक मीडिया क्रिएटेड, या लोगों का जो भी उनको सुविधा रहती है उस तरह की वो इमेज बनाते हैं, चाहे आपके कंपटीशन वाले हों. सो मैंने कभी नहीं देखा कि प्रकाश सर कभी भी प्रिजुडिस्ड हो, या थ्रेटन्ड हो, या किसी तरह से उन्होंने मुझे किसी तरह की इवन एक मिनट की भी कॉन्वर्सेशन हुई हो कि हम यू नो लाइक इस बारे में बात कर ले. सारा प्रोसेस इतना नॉर्मल था जितना कि मेरी पहली फिल्म का होगा, अ फिल्म लाइक गैंगस्टर जब मैंने की थी. एंड ऑल्सो जो भी मेरे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं लोगों के साथ में, मुझे जो सेक्सिस्ट लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा यू नो रूढ़ीवादी होते हैं, उन लोगों से मुझे ज़्यादा पर्सनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं. बट आई डू नॉट थिंक के जितना मैंने स्ट्रगल किया है, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू जस्ट यू नो गो थ्रू अ फिल्म विदाउट कॉजिंग फ्रिक्शन. आई डू, बट जब लोग कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग होते हैं तो आई मेक श्योर आई point that out. But with Prakash sir, he is a delight to work with, and the best thing about him is that he's a young mind, he's a fresh perspective, and he's somebody who's you know, who's very urban in his approach to cinema. And like he said, so many people have contributed to this film, not just me, on the set also, because he's just so unassuming and so open to all interactions.